दीपू'स किचन आज हम बनाएंगे कसूरी मेथी, जिसको मेथी की सुकवनी भी बोलते हैं। वो बहुत जगह पे यूज होता है और बहुत इजी रेसिपी है। जो घर पे बनाया है वो कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा लगता है हमको। कभी खाखरा बनाना है, कभी थेपला बनाना है या भजी बनाना है, अगर हमारे पास इमीजिएटली हरी मेथी नहीं है तो इसका यूज भी कर सकते हैं। और आजकल बहुत लोग स्टोरेज करके रखते हैं, क्योंकि हम पंजाबी सब्जी में भी ऊपर से क्रस करके उसको कसूरी मेथी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गड्डी मेथी लिया है। अभी ये मेथी के पत्ते ही आपको लेना है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, पूरे पत्ते ले लेके आपको ऐसे लेना है। डंडिया नहीं लेना है, पत्तिया लेके फिर उसको एक पेपर में यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा पत्तिया ले चुकी हूँ। ऐसे ही हम पूरा गड्डी चुन लेंगे मेथी को और इसको धूप में सुखाएंगे। धूप में इसको 2 दिन तक सुखाना है। 2 दिन में मेथी अच्छा सा क्रिस्पी सूख जाएगा। तो अभी मैं पूरा चुन लेती हूँ और इसको धूप में रख देती हूँ। थोड़ा सा धूप में रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका कैसा ये रहता है। और ज्यादातर पेपर में ही डालने का, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। अभी आप देख सकते हैं ये मेथी को सुखाने में मेरा 1 दिन हुआ है, तो 90% सूख गया है। ये अभी थोड़ी देर 2-3 घंटा और रखेंगे तो पूरा अच्छे से सूख जाएगा। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने बोला था ना 2 दिन में अच्छे से मेथी सूख जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आज 2nd डे है। जो मैंने कसूरी मेथी के लिए मेथी सुखाने रखा था वो पूरा अच्छी तरह सूख चुका है और कड़कड़ आवाज़ भी आ रहा है, और देखो पाउडर भी हो जा रहा है। तो कसूरी मेथी 1 ही दिन में हो जाता है अगर गर्मी का टाइम रहा तो। अभी ठंडी का सीजन है तो मुझे 1 दिन और लगा है। अभी इसको हम स्टोरेज करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, ऐसे ही आप बहुत सारा स्टोरेज कर सकते हैं और साल भर के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भर के रख दिया है एक बोतल, जिसको अभी एयरटाइट ढक्कन से बंद कर देंगे। देखिए इसको अभी आप पैक करके अच्छे से साल भर तक रख सकते हैं। जहाँ पे आपको थेपला बनाना है, फिर भजी बनाना है या तो खाखरा बनाना है, तो आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी रेडी है हमारा कसूरी मेथी।